अल-कादर यूनिवर्सिटी का मकसद क्या है? कि ये जो हमारा जो दीन है, ये कैसे लोगों की जिंदगी में रेलेवेंस लेके आता है। बदकिस्मती से मस्जिद में जो जाते हैं और जो मस्जिद से बाहर निकलते हैं, उसकी रेलेवेंस नहीं होती, जो कि इस्लाम की जो बेसिक एक इंसान को कैरेक्टर बिल्डिंग होता है, उसमें अच्छे बुरे की तमीज बताता है, उसमें जिंदगी में आने का मकसद बताता है, वो मस्जिद के अंदर वो ट्रांसलेट नहीं हो रहा इंसान की जिंदगी के ऊपर। इस वक्त जो हमारा यूथ है वो इतना मुतासर है मगरब से, मगरब की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस से, कि वो रियलाइज नहीं करते कि उसमें बड़ा फर्क है। एक मुआशरा टेक्नोलॉजी में तो आगे चला जाएगा, लेकिन क्या एक इंसान होते हुए उनकी ग्रोथ हो रही है या नहीं? क्या वो सही रास्ते पे जा रहे हैं, गलत रास्ते पे चलेगा? क्योंकि मैं मगरब को बाकी सबसे बेहतर जानता हूं और मैं ज्यादा मगरब में पूरी तरह रहा भी हूं और एक हिस्सा रहा हूं माशरे का। मैं आपको ये बता दूं कि उनमें कई अच्छाइयां हैं और वो अच्छाइयों की वजह से वो ऊपर जाते हैं, उनकी इदारे हमारे से ज्यादा मजबूत हैं। और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, उनकी अखलाकियात हमारे से बहुत ज्यादा है, जो उनकी मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं। और मोरालिटी में वो नहीं बात कर रहा कि मैं, सिर्फ उनकी सच्चाई की बात कर रहा हूँ, मेहनत तालीम उसमें हमारे से ज्यादा आगे निकल गए। लेकिन जो उनकी तबाही है वो उनके फैमिली सिस्टम के अंदर है, और फैमिली सिस्टम होता ही उसका ताल्लुक दीन के साथ है। ये किसी ने कहना कि जी आजकल अगर वो फैमिली सिस्टम जा रहा है तो ये मॉडर्निटी है, इसका मॉडर्निटी से कोई ताल्लुक नहीं है। वो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के जमाने में भी वो तो पुराना जमाना था, लेकिन वो तबाह हुआ। उनकी मोरालिटी जब, उनका जो फैमिली सिस्टम सारा क्रैश हुआ तो माशरा गया, और जब मॉरल सिस्टम तबाह होता है तब भी एक माशरा चला जाता है। इस्लाम में जो गाइडेंस है, उस गाइडेंस के लिए लीडरशिप चाहिए, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो लीडरशिप बहुत पाकिस्तान में, यानी जो मुल्क बना ही था इस्लाम के नाम पे, और जो अल्लामा इकबाल की ख्वाब ये थी कि हमने एक मॉडल बनाना है दुनिया को कि असल में इस्लाम क्या है, ये असल में लीडरशिप यहाँ से निकलनी चाहिए। जो मेरी सारी ख्वाब है, जो बताएंगे लोगों को, जो रिसर्च करेंगे, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी के अंदर चीजें, उनकी पूरा के वो सारा कॉन्सेप्ट मदीना की रियासत का क्या था, उन्होंने क्या वो रियासत सेटअप की जिसके अंदर कौन से वो प्रिंसिपल्स थे, वो इटर्नल प्रिंसिपल्स थे, हमेशा के लिए उन्होंने सेट किए, जिसने कौम को उठा दिया। और मैं ये चाहूंगा कि ये फिर जो हम यहाँ रिसर्च होगी, फिर ये सारे हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे जाएगी, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे गाइडेंस जाएगी कि हमने बच्चों के लिए किस लेवल की उन्हें करनी है। क्योंकि अभी मैं देखता हूँ इस्लामियात का कोई इफेक्ट ही नहीं होता बच्चों पर, उनकी रेलेवेंस ही नहीं होता। हम उनको वो किताबें पढ़ा देते हैं जो उस एज पे उनको समझ नहीं होती, तो हमने कैसे उनको क्या बताना है, कैसे उनके कैरेक्टर कैसे बिल्ड करने हैं, कैसे उनको फ्यूचर लीडर्स बनाना है। और ये होगा जब तक कि हमारे मुल्क में क्वालिटी की इंटेलेक्चुअल लीडरशिप नहीं होगी, जो कि सही माने में जिस तरह जो अल्लामा इकबाल ने किया था कि एक सारे एक फ्रीडम मूवमेंट के अंदर एक एक इंसान की जो कॉन्ट्रीब्यूशन थी सिर्फ उनकी नॉलेज की वजह से, और उनकी इंटरप्रिटेशन जो थी जो कुरान शरीफ में से, और उनकी जो बल्कि उनकी सारी शायरी कुरान शरीफ में से, आप अगर उनकी शायरी पढ़े उसकी कोई ना कोई कुरान की आयत के उसके वो शेर के पीछे आप चले जाए तो कोई रेलेवेंस है। तो उस तरह की इंशाल्लाह यहाँ मेरी सोच है।